हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं इमाम दस्ते की। अगर आपके किचन में एक ऐसा इमाम दस्ता है जो कि रस्टिंग हो रहा है और साथ ही साथ बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो इमाम दस्ता लेते टाइम पे आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहली चीज मैं आपको साइज के बारे में बता देता हूं। देखिए, इसमें ये ऐसे इस तरीके से 4 से 5 साइजेस अलग अलग आते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा सा और बड़ा साइज हो जाता है। जो आज मैं क्वालिटी आपको दिखाने वाला हूं वो है राजकमल की शीट वाला इमाम दस्ता। जनरली ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है मार्केट में, बट मैं आपको बता दूं, अगर आपके इमाम दस्ते में बार बार जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है और ब्रेकेबल है, तो आपको इस टाइप का इमाम दस्ता लेना चाहिए जो कि अनब्रेकेबल है। पूरी इतनी मोटी स्टील की शीट से बना हुआ होता है जिसको किसी भी तरीके से आप इधर से उधर कैसे भी अगर इसको आप तोड़ना चाहें आप नहीं तोड़ सकते और ना इसको खराब कर पाएंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं, ये 100% रस्ट प्रूफ होता है। और जो इसका ये इस टाइप के ये वाली जो आती है स्टिक आती है जिससे हम कूटते हैं, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है और बिल्कुल यूनिफॉर्म शेप की है। जैसे कि काफ़ी इमाम दस्ते में कॉमनली हमें ऊपर का पोर्शन पतला देखने को मिलता है, बट इसमें आपको प्रॉपर एक सिंगल कह सकते हैं एक यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल शेप देखने को मिलता है, जो कि मुझे लगता है ठीक है, एक बेहतर है और क्लीन करने में भी काफ़ी आसान है। अब यहाँ पे जैसे क्वालिटी की बात हो गई है कि कंप्लीट स्टेनलेस स्टील है और शीट का बना हुआ है, जैसे कि बाकी क्या होते हैं कि काफ़ी हैवी होते हैं, बट ये आपके लिए रखने के लिए, स्टैक करके रखने के लिए बहुत आसान है। इवन अगर आपके गलती से भी अगर ये इस तरीके से अगर गिर भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, चाहे जितनी अच्छी तरीके से, मतलब ये नॉर्मल तरीके से अगर मिसहैंडलिंग भी हो जाती तो भी ये उतना ड्यूरेबल है। अब बात कर लेते हैं इसके साइजेस की। देखिए, जो स्मॉलेस्ट साइज है वो ये साइज आता है, बहुत ही स्मॉल साइज का है। इसमें क्या है, अदरक कसने के लिए या जैसे बहुत कम यूजेज अगर आपके इमाम दस्ते का होता है तो इस टाइप का ये साइज आप ले सकते हैं। और जनरल जैसे डोमेस्टिक किचन में नॉर्मल मसाले कूटने के लिए आपको चाहिए तो ये दोनों साइज आपके लिए बेहतर रहेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर। और अगर आपको लगता है कि ये दोनों साइज भी आपके लिए छोटे रहेंगे, सर मैं एक बार साइज भी आपको दिखा देता हूं और अभी इसको मैं वेट करके भी दिखाऊंगा। ये है 1 नंबर का साइज, जो मुझे लगता है कि एक कह सकते हैं, अगर इसको देखना है तो ये समझ के चलिए जो 2 नंबर है, जैसे नॉर्मल चाय पीने वाला ग्लास होता है ना, लगभग उसके शेप का है और उससे थोड़ा सा बड़ा ये वाला होता है। और ये जो है ये सबसे बड़ा साइज नहीं कह सकते, बट एक मीडियम बिग साइज है 0 नंबर का, जो ये खल्लर होता है। राजकमल की क्वालिटी है, इसके बहुत सारे यूटेंसिल्स मैं आगे आपको जरूर दिखाऊंगा क्योंकि काफी जाना माना ब्रांड है इंडिया का और काफी समय से ये बर्तन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये वाले जो इमाम दस्ते हैं ये स्पेशलाइज्ड स्टील के बने हुए हैं जो कि प्रॉपर शीट के होते हैं। अब एक चीज और है, मैं इसका जरा वेट करके आपको दिखाता हूं, बड़ी हैरानी हो जाएगी आप लोगों को अगर इसका वेट आपको जानने को पड़ेगा। तो अभी देखिएगा, यहाँ पे ये ले आते हैं, अब जरा सा मशीन को ऑन कर लेते हैं, फिर एक एक करके इसका वेट कराते हैं। पहले तो सिर्फ नीचे का पोर्शन मैं वेट कर रहा हूँ इसका। ये देखिए, सिर्फ 175 ग्राम का वेट इसमें दिया हुआ है और अगर मैं इसमें ऊपर एक खल्लर भी रख देता हूँ, ये देखिए मूसल रख देता हूँ, तो ये 347 लगभग 350 ग्राम का ये स्मॉल खल्लर है। और अगर इसमें ये मीडियम साइज का 2 नंबर खल्लर की बात करते हैं तो ये आपका 440 ग्राम का है। और अगर इसको हटा देते हैं, सिर्फ नीचे का बेस 192 ग्राम के आसपास का है। और इसी में अगर हम 1 नंबर कलर को भी जरा तौल देते हैं तो यहां पे ये देखिए, ये 250 ग्राम का है और इसको रख देते हैं तो यहां पे लगभग यह 525 ग्राम का आता है। और जो हमारे पास जो सबसे बड़ा वीडियो में सबसे बड़ा साइज है वो है 0 नंबर, जिसमें कलर सिर्फ देखिए ये सिर्फ इसी का वेट आपका सिर्फ 312 ग्राम है। मतलब इस शीट का बना हुआ है, बहुत हैवी नहीं है, बैलेंस अच्छा है। और यहां पर अगर हम इसको रख देते हैं तो यहां पर आ जाता है 680 ग्राम के आसपास का वेट इसका आपको मिलता है। तो मैं आपको यह बता दूं कि इसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, बहुत ज्यादा वेटेड नहीं है। तो अगर आपको ये वाला कलर ऑफलाइन मिल जाता है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए ऑप्शन मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर और भी किसी डिटेल के बारे में जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और आगे चल के अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इससे हम बाकी कलरों को भी कंपेयर करेंगे, जिसमें हम आपको हैवी स्टील के कलर भी दिखाएंगे और साथ ही साथ उसमें एल्यूमिनियम के कलर भी जरूर दिखाएंगे। और अगर पीतल के या ब्रास के कलर भी अगर आपको कह सकते हैं कि जो एक कसकुट के कलर आते हैं, अगर उसको भी आपको चाहिए तो उसको भी हम आगे दिखाएंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो जरूर हमें लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि बहुत सारे और भी बेहतर यूटेंसिल्स आपके लिए स्टेनलेस स्टील के हम लाने वाले हैं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।